खबर सामने आ रही है। नवसारी में बीजेपी प्रत्याशी पर हमला किया गया, बीजेपी उम्मीदवार पीयूष पटेल पर हमला हुआ। देर रात बीजेपी उम्मीदवार पीयूष पटेल पर हमला किया गया, अज्ञात लोगों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। वासंदा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं पीयूष पटेल, जिन पर ये हमले की खबर सामने आई। हालांकि हमला करने वाले कौन थे, क्या मकसद था, क्या चुनाव से जुड़ा हुआ ये पूरा घटनाक्रम है, सवाल बड़े हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, पीयूष पटेल जो कि भारतीय जनता पार्टी के वासंदा सीट से उम्मीदवार हैं और चुनाव से जुड़ी तमाम गतिविधियां जब जारी हैं उन सबके बीच में ये खबर परेशान करने वाली भी है, हैरान करने वाली भी है कि इतनी कड़ी प्रशासनिक व्यवस्था होने के बावजूद भी आखिर कैसे ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, वासंदा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं पीयूष पटेल, जिन पर हमले की ये खबर सामने आ रही है, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास है? देखिए, बताया ये गया है कि चुनाव प्रक्रिया थम गई थी और जो डोर टू डोर जाकर उम्मीदवारों से मिलने का कार्यक्रम होता है वो कर रहे थे और एक गांव में अज्ञात लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर ये हमला किया गया है। हालांकि इस बात की कंप्लेन जो है वो पुलिस में कराई गई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको चोट पहुंची है और उनका ट्रीटमेंट कराया गया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लोगों से जो बातचीत हो रही है उनका ये कहना है कि कुछ अज्ञात लोग थे, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके शामिल होने की शंका जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जताई है जिन्होंने हमला किया है। और इस तरीके की घटनाएं जो है पोलिंग से पहले छिटपुट तौर पर देखी जाती है अनुराग, लेकिन कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं है जिससे लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बिगड़ जाए और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, ये जानकारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें दी गई है।